हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेस्कटॉप के आइकन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई नया यूजर बनाते हैं या विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में हमारे डेस्कटॉप पर दिस पीसी नेटवर्क और रिसाइकल बिन ये काफ़ी आइकन्स जो हैं नहीं होते हैं। तो अगर बाय चांस हमने कोई यूजर हम नया क्रिएट करते हैं तो उस केस में भी हमारे डेस्कटॉप पे ये आइकन नहीं होते हैं। तो किस तरीके से हम ये आइकन्स को अपने डेस्कटॉप पे लाते हैं, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज में जाते हैं। और यहाँ पे आप अगर विंडो 7 और 8 में हैं तो डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप सेटिंग मिल जाएगा, आपको आइकन डेस्कटॉप आइकन सेटिंग मिल जाएगा। अब विंडोज 10 में आप थीम्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिलता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। तो आप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखो ये शो हो रहा है। आप जो जो भी आइकन आपको चाहिए आप यहाँ से शो कर सकते हो। अगर आप वापस इनको क्लिक कर दोगे तो ये आपके डेस्कटॉप से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर माई कंप्यूटर सॉरी दिस पीसी या आपका जो रिसाइकल बिन है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे और थीम्स में जाएंगे, डेस्कटॉप आइकन में जाके इनको जो भी हमें आइकन चाहिए उसको हम ले लेंगे, यहाँ से अप्लाई करके ओके कर लेंगे और ये हमारे डेस्कटॉप पे फिर से शो होने लग जाएंगे। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, राइट क्लिक करके हम जब व्यू में जाते हैं और शो डेस्कटॉप आइकन में अगर हमसे अनचेक हो जाता है तो हमारे डेस्कटॉप के जितने भी आइकन्स हैं, जितने फाइल्स फोल्डर हैं, सारे हाइड हो जाते हैं। उस केस में हम राइट क्लिक करते हैं और फिर से व्यू में जाके शो डेस्कटॉप आइकन को डबल वापस क्लिक कर लेते हैं तो ये सारे आइकन्स वापस आ जाते हैं। व्यू में ही लार्ज आइकन अगर आपको चाहिए तो आप लार्ज आइकन में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको स्मॉल आइकन चाहिए तो स्मॉल आइकन ले सकते हो और अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप मीडियम आइकन को यूज कर सकते हो। व्यू में आपके पास एक और ऑप्शन है, अरेंज ऑटो आइकन्स। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज आपके आइकन्स अरेंज नहीं है तो ये इस तरीके से है, सब कुछ कोई आइकन कहाँ है, ये अलग अलग ऐसे बिखरे पड़े हैं। तो हम राइट क्लिक करके व्यू में जाते हैं और ऑटो अरेंज आइकन को क्लिक कर देते हैं और ये आइकन सारे आपको अरेंज होके मिल जाते हैं। और आप किसी भी आइकन का आइकन में कोई भी कोई फोल्डर है या जो भी फोल्डर है आप उस पर कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप मूवी बना रहे हो या आपके वीडियो है, फोटोग्राफ्स है या आपके नोट्स हैं, तो जिस तरीके के आपका फोल्डर है, जिस उसमें जिस तरीके का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप फोल्डर में आइकन अपना सेट कर सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाते हैं हम और इसकी प्रॉपर्टी में हम कस्टमाइज में जाते हैं और आइकन चेंज में जाते हैं और से हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं आइकन जो भी हमें चाहिए। तो मैं सपोज ये वाला आइकन ले लेता हूँ और ओके कर देते हैं तो ये वाला आइकन जो है हमारे फोल्डर में आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।